Today we are going to study fiber to fabric. Okay, lesson number 3 from science. Right? हम लोग पढ़ेंगे fiber to fabric. Fiber का मतलब होता है रेसे, जिसे हम कहते हैं कि बहुत thread जिसको कहेंगे. Thread भी नहीं होता है, thread के form में बाद में बदला जाता है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि cotton जो होता है, वो cotton को जब हम फूलों में से निकालते हैं, उसके प्लांट में से जब निकालते हैं, तब वो जो है उसमें से वो कैसा रेसा निकलता है, तो उसको हम फाइबर कहते हैं. और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा तैयार हो जाना. जैसे कि कपड़े बनने के बाद किस तरह से रेडी हो जाते हैं, पहले तो कापड़ होता है ना, उस रेसे में से धागा बनता है, धागे में से कापड़ बनता है, और कापड़ में फिर उसको सिलने के बाद कपड़ा बनाया जाता है. ओके, सो फाइबर टू फैब्रिक उसको कहा जाता है कि किस तरह से फाइबर से स्टार्ट होता है और किस तरह से वो कपड़े तक पहुंचता है. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे यहाँ पर. ये हमने देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. यू ऑल्सो लर्नड दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक. ठीक है, ये हमने क्लास 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था सेम चैप्टर, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो फाइबर होता है ये हमें मिलता है प्लांट में से, और हाँ कुछ एनिमल्स में से भी मिलता है. प्लांट में से जैसे अभी हमने बात की कि कॉटन, कॉटन के भी कपड़े बनते हैं, तो कॉटन के प्लांट होते हैं उसमें से हमें कपड़े मिलते हैं. हेम्प होता है, जूट है, लिनन है, ये सब हमको प्लांट में से मिलता है. ओके, और जो वुल है, सिल्क है, ये हमें एनिमल में से मिलता है. वुल आपको पता है कि यहाँ जो हमें नीचे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, शिप दिए हैं, फिर उसके पास के दूसरे पेज पर हमें और भी कैमल दिए हैं, रैबिट्स दिए हैं, ये सब में से हमें वुल मिलता है. और सिल्क आपको पता है कि सिल्क वॉर्म को पाला जाता है और फिर उसमें से सिल्क मिलता है हमें. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि इसकी किस तरह से कैसे स्टार्टिंग होती है. तो हम लोग यहाँ से रीड करते हैं कि एनिमल फाइबर्स वुल एंड सिल्क. एनिमल में से जो हमें मिलता है वो है वुल और सिल्क. तो वुल देखते हैं कैसे आता है. वुल कम्स फ्रॉम द शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. दिस वुल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी. एंड डू यू नो व्हाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. As you yield in chapter, learn in chapter 4, so hair keeps this animal warm and wool is derived from this hairy fiber. ठीक है, वुल जो है हमें गॉट, शेप, याक और कुछ अलग एनिमल जैसे कि कैमल और रैबिट में से भी मिलता है. तो इनके ऊपर ये आप देख रहे हो, यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो कि ये जो शिप है इसका देखो किस तरह से इसके पूरी बॉडी पर एकदम मोटा मोटा सा हेयर है. राइट, अब ये हेयर जो है वो हवा को लगने नहीं देता. ये लोग जहाँ पर बहुत ठंडी वाली जगह पे जब रहते हैं तो ये हेयर जो है इनको ठंड से बचाता है. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर रहते हैं और उनके वुल किस तरीके के हैं. जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके वुल बहुत ही मोटे और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, और जो गर्म रीजन में रहते हैं उनके वुल थोड़े से थिन, थोड़े से पतले और इतने ज़्यादा घने नहीं होते हैं. तो डिपेंड करता है कि कौन किस रीजन में रहता है. ओके, यहाँ पर हमको दिया गया है वुल जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर. ये हेयरी फाइबर में से हमको वुल मिलता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक्टिविटी 3.1 में दिया गया है कि इनके भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, जो एनिमल है इनके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ से मुलायम हेयर मिलते हैं और कहीं कहीं से बहुत ही मोटे हेयर मिलते हैं. जिस तरह से हमारे जो बाल हैं हमारी बॉडी पर, हाथ पे, पैर में जो बाल है उस बाल को आप टच करो और हमारे सिर के बाल को टच करो, देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो आपको ये पता चलेगा उससे कि जो सिर के बाल हैं वो थोड़े मोटे हैं, है ना, थोड़े से है वो हमारे हाथ में हम पकड़े भी जा सकते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर के मुकाबले में वो काफ़ी थिक होते हैं. तो इसी तरह से एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि इनके जो बाल हैं वो इनके बॉडी पर जो बाल हैं वो कहीं कहीं पर वो मोटे मोटे होते हैं, जो काफ़ी थिक होते हैं, जो छूने में थोड़े से रफ लगते हैं, और कहीं कहीं के बाल जो है बहुत ही एकदम सॉफ्ट होते हैं. अब ये लोग क्या करते हैं, कितनी बार के सॉफ्ट हेयर पाने वाले शिप को ये लोग चाहते हैं कि ढेर सारे शिप ऐसे हों जिनमें से उनको सॉफ्ट हेयर मिले. तो ये क्या करते हैं कि एक सिलेक्टिव
अलग अलग तरह की ब्रीड के दो शीप ले लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी मुलायम होते हैं, लेकिन दोनों ही शीप के बाल जो हैं वो मुलायम होने चाहिए ताकि उनके बच्चे जो पैदा होते हैं उनके बाल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर दिया द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, एक मेल शीप ले लेते हैं, एक फीमेल शीप ले लेते हैं, और दोनों ही शीप के बाल जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो इनके जो बच्चे होते हैं उनके भी बाल जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट वुल के जो वुलन कपड़े होते हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं, काफ़ी नरम बनते हैं, और उसमें गर्माहट भी ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे कपड़े ज़्यादा कोल्ड रीजन में बिकते हैं। अब यहाँ देखो एनिमल्स दैट यील्ड वुल, कौन कौन से एनिमल्स हमें वुल देते हैं और हमें कहाँ से ये वुल मिलते हैं। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हाउएवर फ्लीस ऑफ द शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल। दो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इस शीप वुल। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऐसा बोला गया है कि अलग अलग ब्रीड्स के, अलग अलग ब्रीड मतलब जाति के, अलग अलग वैरायटी के शीप होते हैं जो हमारी ही कंट्री में अलग अलग जगह से पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ठंड रीजन में होते हैं, जैसे कि नॉर्थ में एकदम जहाँ पर ठंडी पड़ती है, शिमला, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, राइट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ के शीप के ऊन कुछ अलग टाइप के होंगे, और राजस्थान के, गुजरात के, यहाँ के शिप के उन जो उनकी वैरायटी होगी वो अलग अलग होगी। तो दोनों ही शिप के उन लोगों की ब्रीड में भी काफ़ी फ़र्क होता है। शिप भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर उनको अच्छे और सॉफ्ट वुल चाहिए तो वो अलग अलग पेरेंट्स ले लेंगे, एक मेल और फीमेल ले लेंगे, और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनके जो काफ़ी नरम और मुलायम होते हैं, उनके जो ऊन होते हैं काफ़ी नरम और मुलायम होते हैं। तो ये लोग भी अलग अलग ब्रीड के शीप का यूज़ करते हैं, उसमें से ऊन निकालते हैं और मार्केट में यही ऊन को बेचा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा सारे पिक्चर्स दिखाए हैं, आप देख सकते हो। पहले हम 3.2 में जाते हैं, 3.2 फिगर में आप देख रहे हो ये याक है। अब आपको पता है कि याक जो है कोल्ड रीजन में रहते हैं और वो भी पहाड़ों पर रहते हैं, तो इनके जो वुल होंगे वो काफ़ी सॉफ्ट होंगे और इतने गर्म वाले होंगे कि इनकी बॉडी को ठंडी नहीं लगती है। भगवान ने उनको ठंड से बचाने के लिए इतने मोटे मोटे फर दिए हैं जिसको हम निकाल कर ऊन में कन्वर्ट करते हैं और गर्म कपड़े बनाते हैं। अब हम दूसरे 3.3 में जाएंगे तो ये है अंगोरा गोट। ठीक है, ये है गोट सिंपल वाले जो हमारे यहाँ पाई जाती है। देखो कैमल है, कैमल का भी फर जो है इनकी बॉडी पे से निकाला जाता है और वो भी ऊन बनाने के लिए काम आता है। आगे 3.6 में आप देखोगे लामा, राइट, ये देखो ना तो कैमल है, ना याक है, ना गोट है, ना शिप है, लेकिन ये लामा एक अलग तरीके का एक एनिमल है जिसकी भी बॉडी पे देखो बहुत सारे फर हैं और ये फर निकालकर ऊन बनाए जाते हैं। ये है अल्पाका, ये भी अलग तरीके का है, लामा जैसा ही है लेकिन देखो उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है ना, और ये अल्पाका है, इसके भी बॉडी पे देख रहे हो कि बहुत सारे फर हैं और ये फर निकालकर ऊन बनाए जाते हैं और इनके अलग अलग टाइप के कपड़े, ऊनी कपड़े बनते हैं, या तो शॉल बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम इसको पढ़ेंगे। याक वुल इज कॉमन इन टिबेट एंड लद्दाख, जो हमने यहाँ पर देखा कि याक जो है ये माउंटेनियस रीजन पे रहते हैं। ये आपने देखा ये 3.2 का फिगर जो है, याक ये माउंटेनियस रीजन पे रहते हैं, मतलब कि चाइना, लद्दाख, टिबेट, ये सब पहाड़ों पर ही तो आया है, तो वहाँ पर याक इन्हें बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। उनके वुल ये लोग इस्तेमाल करते हैं गर्म कपड़े बनाने में। अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा ये रहा, हमने 3.3 फिगर में देखा, ये अंगोरा गोट है और ये पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, जहाँ इनके बालों को निकाल कर गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, राइट, 3.4 में हमको दिया ये रहा गोट हेयर है जो कश्मीर से पाए जाते हैं, ये जो है गोट कश्मीर में पाए जाते हैं और इनके जो बाल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। देखो यहाँ लिखा है वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, द फी अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज वोवन इनटू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पाश्मीना शॉल। ठीक है, इनके बालों से पाश्मीना शॉल, पाश्मीना नाम का ऊन बनता है और उसी के ऊन से शॉल बनते हैं जो हम लोग ओढ़ते हैं ठंडी के दिनों में, तो उसका नाम हो जाता है पाश्मीना शॉल।
ओके फिर है द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वुल लामा एंड अल्पाका फाउंड इन द साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड द वुल ठीक है यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि लामा है कैमल्स है ठीक है और लामा हमने देखा कि यहाँ 3.6 में है और अल्पाका 3.7 में ये हमारी कंट्री में नहीं ये दूसरी कंट्री में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पर ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं इनके वुल निकाल कर फिर से वही गर्म कपड़े बनाए जाते हैं ओके अब यहाँ पर हमको ऐसा बोला है कि शीप गॉट एक्टिविटी 3.2 में शीप गॉट कैमल और याक को आपके कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है उसको लिखो ठीक है तो अब हम चलते हैं आगे एक्टिविटी 3.3 में ये बोला है कि आप एक मैप ले लो और उस मैप में आपको फाइंड करना है कि ये एनिमल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और वो कहाँ से वो वुल उनको मिलता है तो किस किस एनिमल्स में से हम वुल फाइंड करते हैं ये आपको बताना है अब हम चलते हैं आगे फ्रॉम फाइबर्स टू द वुल अब हमने शीप में से फाइबर तो निकाल लिया उनके मतलब के जो वुल है वो तो हमने निकाल लिया अब उसके ऊन में कैसे बनता है ये वुल है राइट ये वुल में कैसे कन्वर्ट होता है तो फॉर ऑब्टेनिंग द वुल शीप आर रेयर सबसे पहले ऊन पाने के लिए शीप को पाला जाता है ओके देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इन टू द वुल लेट अस सी हाउ ठीक है अब इनको पालने के बाद इनके जो बाल होते हैं इनके जो फर होते हैं इनको काट लिए जाते हैं इनको उतार लिए जाते हैं और फिर इसको प्रोसेस करके ऊन बनता है कैसे बनता है तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे देखो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप सबसे पहले शीप को पालना होता है उसको कहते हैं रियरिंग ब्रीडिंग का मतलब उस शीप से जो उनके बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी वो लोग पालते हैं और उसमें से भी ऊन निकालते हैं देखो इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा पंजाब राजस्थान एंड गुजरात यू विल सी द शेफर्ड्स टेकिंग देयर हॉर्स टू शीप फॉर ग्रेजिंग है ना ये जितने भी नाम उन्होंने हमारी कंट्री के अलग अलग राज्यों के दिए हैं वहाँ पर ये शीप पाए जाते हैं और जो शीप पालने वाला जो है वो इन सारे अपने कैटल्स को ले जाकर ग्रेजिंग करवाने ले जाता है मतलब इनको खाना खिलाने लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें हरी हरी और बहुत ही अच्छी घास मिले बहुत ही अच्छी प्रोटीन युक्त विटामिन युक्त इनके वो घास मिलते हैं जिससे ये लोग खाकर इनके जो फर होते हैं बहुत ही अच्छे और चमकीले बनते हैं देखो शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर द ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियरिंग ऑल्सो फीड देम ऑन मिक्सचर ऑफ द पल्सिस कॉर्न जोवार ऑयल केक्स लेफ्ट ऑयल केक्स एंड द मिनरल्स ठीक है वो लोग ग्रास तो खाते हैं शीप जो है हर्बीवोरस एनिमल है हमें पता है हर्बीवोरस का मतलब वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो ये जो शीप है उनको घास खिलाने के लिए वो लोग अलग अलग ग्रेजिंग एरिया में ले जाते हैं लेकिन उनको घास खिलाने के अलावा भी देखो उनको दाल खिलाई जाती है कॉर्न मतलब मकई खिलाई जाती है ज्वार खिलाए जाते हैं ऑयल केक्स मतलब कि जो जिसमें से ऑयल निकाल लेने के बाद जैसे सिंग तेल है तो सिंग में से तेल निकालने के बाद जो बचता है उसका जो वेस्ट बचता है उसमें से वो लोग उसको उसके अंदर और भी चीज़ें डालकर मिनरल्स डालकर कुछ विटामिन डालकर उसका ऑयल केक बनाते हैं और फिर ये ऑयल केक जो है ये इन शिप को खिलाई जाती है ताकि इनके फर अच्छे हों इनके हेल्थ अच्छे हों और ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके बाल इनके बॉडी पर उगे और फर ज़्यादा से ज़्यादा मिले इन विंटर शीप आर कैप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स ग्रेन एंड ड्राई फॉडर जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो इनको ग्रेजिंग एरिया में नहीं ले जाया जाता है जहाँ पर चरने के लिए ले जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो ये लोग क्या करते हैं दूर दूर से अलग अलग जगह से हरे हरे पत्ते हैं दाने हैं राइट या तो फिर ड्राई फॉडर जो सूख जाते हैं जैसे कि भूसा चावल ये सब जो सूख जाते हैं उसको ये लोग लाकर खिलाते हैं एंड शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वुल हमारी कंट्री में कई जगह पर शीप को पाला जाता है ऊन के लिए टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन अवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग द वुल द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड द गुड क्वालिटी वुल इन लार्ज क्वान्टिटी अब देखो हमको 3.1 में यहाँ पर दिया गया है सम इंडियन ब्रीड ऑफ शीप जैसे यहाँ दिया गया है नंबर वन में लोही लोही का गुड क्वालिटी वुल मिलता है और ये लोही नाम के जो शीप है वो राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं नंबर टू रामपुर बुशहर ये इनके बाल जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं मोस्टली ब्राउन और ब्राउन में अलग अलग शेड के फ्लीस पाए जाते हैं फ्लीस का मतलब हेयर वुड ठीक है और ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नली
नली नाम का ब्रीड जो है वो कारपेट वूल बनाने के काम आता है, जो हम अपने फर्श पर बिछाने के लिए कारपेट का यूज़ करते हैं जिसमें ठंड ना लगे। तो ये कारपेट बनाने के लिए इनका नली नाम के ब्रीड का वूल इस्तेमाल होता है। और ये पाए जाते हैं, नली नाम के जो शिप हैं वो पाए जाते हैं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। ओके, फिर नंबर 4 है भाखरवाल। भाखरवाल जो है, ये जो ब्रीड है वो वुलन, इनके वुल से वुलन शॉल बनते हैं, ठीक है, ऊनी शाल बनाए जाते हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। मारवाड़ी, जिनके वुल जो है थोड़े से रफ, थोड़े से मोटे होते हैं और ये गुजरात में पाए जाते हैं। पाटनवाड़ी, ये फॉर हॉजियर यानी कि पतले पतले कपड़े बनाने के लिए सिंथेटिक का यूज़ और ऊन का यूज़ करके ये लोग हॉजियरी कपड़े बनाते हैं जिसमें सॉक्स बनते हैं, कुछ बनियान वगैरह भी बनती है, ठीक है, कुछ पहनने के कोट वगैरह भी बनते हैं, राइट, ये सब होजियरी से बनते हैं और अंडरवेयर वगैरह भी होजियरी से बनते हैं। तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो वूल शिप है, अलग अलग ब्रीड के, वो लोग किस तरह के वूल देते हैं वो हमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ ब्रीड ऐसे हैं जिनके बाल बहुत ही मोटे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें वूल देते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वूल देते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, एज मैंशन अर्लियर दिस शिप आर सिलेक्टिवली ब्रेड विथ वन पेरेंट बींग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। अच्छे शिप पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो शिप ये लोग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। एक जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शिप होगी और एक जो है उनकी खुद की शिप होगी जो हो सकता है ज़्यादा अच्छी ना हो लेकिन ठीक ठाक हो। तो उन दोनों को मिलाते हैं और इनके बच्चे जो पैदा होते हैं ये अलग, इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली ब्रेड, ठीक है। इनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा ऊन देते हैं, मोटे ऊन देते हैं और कई बार उनको जिस तरह के, जिस वैरायटी का वूल चाहिए उस वैरायटी के वूल उनको इन शिप के बच्चों से मिलता है। वंस द रेड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, ठीक है। एक बार इन बच्चों को खिला पिला कर बड़ा किया जाता है, जब देखा जाता है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है, एडल्ट हो गया है, इनकी बॉडी पे बहुत अच्छे बाल आ गए हैं, अब तो हम इसको शेव कर सकते हैं, जैसे पापा लोग शेव करते हैं ना, तो इस तरह से सारे बाल निकल जाते हैं, उनके दाढ़ी के बाल निकल जाते हैं। सेम वे शिप को भी शेव किया जाता है। अब देखो, हमको यहाँ पर प्रोसेस बताया है कि ऊन किस तरह से बनता है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, ठीक है। फाइबर तो हमें मिल जाता है, रेशा जो है हमें शिप की बॉडी पर से मिल जाता है, अब इसको ऊन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर बताया है स्टेप नंबर 1। देखो, द फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग, ठीक है। जो फ्लीस होता है, जो शिप का बॉडी है, उस पर से शेविंग की जाती है, एक लेयर स्किन की भी निकाली जाती है। जो स्किन होती है वो कम से कम हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 7 लेयर्स की स्किन होती है। अगर हम जल जाते हैं तो हमारी एक या दो लेयर जलती है, बाकी की लेयर जो है वो एकदम अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी जल्दी आ जाती है। तो शिप में भी क्या किया जाता है, जब इनके बाल निकाले जाते हैं तो एक लेयर स्किन के साथ निकाला जाता है, सिर्फ बाल नहीं निकालते, स्किन भी निकाली जाती है। लेकिन कितनी स्किन निकाली जाती है, एक लेयर, राइट। उनके में भी 6 लेयर होते हैं और एक लेयर स्किन के साथ निकाल दिया जाता है ताकि बाल जो है उनको ढेर सारा एक साथ मिले और उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है शियरिंग। मशीन्स सिमिलर टू दोस यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर एंड यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, ठीक है। मशीन का यूज़ किया जाता है, जिस तरह से आप सलून में जाते हो तो देखते हो कि बार्बर जो है वो ट्रिमर का यूज़ करते हैं या तो अपने किसी अस्तरे का यूज़ करते हैं और फिर बाल निकालते हैं। तो इस तरीके से शिप के बाल निकालने के लिए भी उनके पास एक मशीन होती है जिससे वो लोग बाल आराम से निकाल देते हैं, शिप को दर्द भी नहीं होता है, आराम से बैठकर वो निकलवाती है शिप, ठीक है। और वो बाल निकालने का जो प्रोसेस है वो गर्मी के मौसम में किया जाता है ताकि इनको ठंड ना लगे। अगर ठंडी में बाल निकाल लेंगे तो इनका प्रोटेक्टिव, जो भगवान ने इनको नेचुरली कूलर कपड़े दिए हैं, उसकी ना होने की वजह से वो ठंड लग जाएगी और ये बीमार हो जाएंगे। तो बाल निकालने की जो टाइम होता है, इनका समर सीज़न होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनके बाल निकाल दिए जाते हैं ताकि इनको आराम भी मिल जाए, ठंडा भी लगे इनको, गर्मी ना लगे और इनका भी काम हो जाए कि इनको फ्लीस मिल जाए, ठीक है।
So this enable the hair provide the woolen fiber, and woolen fiber are then processed to obtain the woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep, just as it does not get hurt when you get a haircut or your father shears his beard. Do you know why? The uppermost layer of skin is dead. Also, the hair of sheep grows again just as your hair does. ठीक है, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वुलन फाइबर को पाने के लिए वुलन यान में उसको टर्न किया जाता है। जैसे कि पहले उनको बाल मिल गए और बाल निकलने के बाद शियरिंग जब करते हैं तो शिप को जरा भी दर्द नहीं होता है, उन्हें जरा भी कहीं चोट नहीं आती है। जिस तरह से आप बाल कटवाते हो या तो आपके पापा जब शेविंग करते हैं तो देखो उनको जरा भी दर्द नहीं होता है, जरा भी कहीं चोट नहीं आती है। इसी तरह से शिप के भी शियरिंग किया जाता है और थोड़े ही दिनों बाद इनके बाल फिर से उग जाते हैं, तो ये भी नहीं है कि ये टकले हो जाते हैं। फिर नंबर टू में, The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove the grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays, scouring is done by machine. देखो आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है, देख सकते हो आपके यहाँ पर नंबर वन जो है शियरिंग ऑफ शिप हो रहा है। सबसे पहले तो इस मशीन से इनके बाल निकाले जा रहे हैं, देखो है ना, आप देख रहे हो नंबर वन में शियरिंग हो रहा है, इनके बाल निकाले जा रहे हैं। फिगर टू में 3.8 में बी स्कोरिंग इन टैंक, इनके बाल निकालने के बाद बहुत ही गंदे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, कहीं पे डर्ट, अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, डस्ट होता है और कुछ एकदम चिकना चिकना पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कि ऑयली, इस टाइप का होता है। तो इसको निकालने के लिए लोग बहुत बड़े बर्तन में इसको गर्म पानी में डालकर इसको साफ करते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं, फिर इसको एकदम क्लीन किया जाता है। ये तो बहुत पहले का प्रोसेस है जब आदमी इस तरह से साफ करते थे, आज के टाइम में तो मशीन आ गई है जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी तरीके से बिना ज़्यादा मेहनत के ये लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ तो आपको दिया है नंबर सी में स्कोरिंग बाई मशीन, ये ऊपर आप 3.8 में बी में देखोगे कि आदमी लोग इसको साफ कर रहे हैं और यहाँ सी में आप देखोगे कि मशीन उसी को साफ कर रहा है ना। तो मशीन से साफ करना काफ़ी इजी है, एक आदमी काफ़ी है और मशीन जो है इसको एकदम क्लीन कर देता है। क्लीन करने के बाद यहाँ पर ये जो है नंबर डी में रोल हो रहा है, देखो सारे जो वुल इन्होंने साफ कर लिए हैं, गोल 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 कर इसको रोल किया जाता है। ओके, तो ये आपको फिगर में बहुत अच्छे से बताया है, अब इसको हम रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ दिया है स्कोरिंग तो हमने पढ़ लिया, नंबर थ्री में जाएंगे, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, सॉर्टिंग मतलब अलग किया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेर हेयर इज डिफरेंट हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, मतलब ये धोने धाने के बाद एकदम क्लीन करने के बाद इसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अब फैक्ट्री में जाने के बाद जो वहाँ के लेबरर्स होते हैं वो स्किन को अलग करते हैं, मतलब वो जो वुल होता है उसको अलग करते हैं, सॉफ्ट वाले अलग करेंगे, हार्ड वाले वुल अलग करेंगे, अलग अलग कलर के होंगे तो सफ़ेद वाले कलर के एक तरफ करेंगे, ब्राउन वाले कलर एक तरफ करेंगे, काले वाले कलर को एक तरफ करेंगे, तो इसको अलग करने को कहा जाता है सॉर्टिंग। ओके, नाउ नंबर फोर में, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड द बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर एंड दिस आर द सम बर्स विच sometimes appear on your sweater. The fiber are scored again and dried and this is the wool ready to be drawn into fiber. ठीक है, यहाँ पर ये लोग उसको बर को अलग करते हैं, बर मतलब एकदम छोटे छोटे से फ्लफी होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं और वो धुल कर एकदम सूख कर एकदम बहुत ही मुलायम हो जाते हैं और इसको कहा जाता है ब्लड। अब यहाँ पर आने के बाद ये जो हमको दिखाई देते हैं, कई बार हम लोग जब स्वेटर पहनते हैं तो हमारे स्वेटर को तीन चार बार धोने के बाद आप देखोगे कि वहाँ पर छोटे छोटे गोले बन जाते हैं उनके, है ना, बस इसी को ब्लर कहा जाता है, राइट। तो इसको यहाँ पर फैक्ट्री में जाने के बाद इसको जब अलग करते हैं तो अलग करने के बाद फिर से एक बार इसको सुखाया, धोया और सुखाया जाता है ताकि अलग करने के टाइम पर भी जो डर्ट या डस्ट लग गया है वो भी एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और क्लीन करने के बाद नंबर फाइव में अब ये तैयार हो गया है धागे बनाने के लिए। नंबर स्टेप नंबर फाइव, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑन शीप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ठीक है, यहाँ पर इनको डाई किया जाता है, राइट, इनको फाइबर में टर्न करने के बाद अब इसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, जैसे कि ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर। ठीक है, और रंगने के बाद नंबर सिक्स में ये लोग क्या करते हैं, फाइबर्स आर स्ट्रेट, अब इस फाइबर को एकदम स्ट्रेट धागा बनाया जाता है, कॉम्ब्ड, फिर इसको कॉम्ब, जैसे हम अपने बाल बनाते हैं इस तरह से इसको भी कॉम्ब किया जाता है, एंड रोल्ड इनटू द यार्न, और फिर इसको यार्न मतलब कि इसको धागे में बना चेंज किया जाता है।
The longer fibers are made into the wool for sweaters and the shorter fibers are spun and the woven into the woolen cloth. जो लंबे लंबे फाइबर हैं उसका तो ये लोग स्वेटर बना देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे फाइबर हैं उनके ये लोग छोटे छोटे वुलन क्लोथ बना देते हैं. क्लोथ का मतलब कापड़, स्वेटर नहीं, उसके कापड़ बना देते हैं ताकि इस कापड़ से फिर ये लोग शॉल वगैरह में यूज़ कर सके. योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क. ठीक है, यहाँ पर तो उनका ख़त्म हो जाता है. अब हम जाते हैं आगे, जो यहाँ पर हमको बताया गया है. अच्छा, यहाँ से पढ़ेंगे. देखो, यहाँ पर आपको दिया है ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मतलब ये ऑक्यूपेशन में बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती है. किस तरह की बीमारी, तो देखो आपको दिया है, वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री. But shorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called the shorter's disease. Such risk faced by the workers in any industries are called occupational hazard. ठीक है, जो sort करते हैं, जो ऊन को अलग करने का काम करते हैं, तो अलग करते समय उसके अंदर कई बार जो बहुत ही गंदे ऊन हैं उसके अंदर कुछ bacteria भी होते हैं, तो ये bacteria को कहा जाता है anthrax. अब ये कई बार ऐसा होता है कि इनके जो laborers जो काम कर रहे हैं उनके सांस में चला जाता है और सांस में जाने के बाद इनको ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड डिजीज़ हो जाता है, जिसको कहा जाता है शॉर्टर्स डिजीज़. ठीक है, और ये हर इंडस्ट्रीज़ में वहाँ दिखाई देता है, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री में भी दिखाई देता है, सिल्क इंडस्ट्रीज़ में भी दिखाई देता है, वुल इंडस्ट्रीज़ में दिखाई देता है. लेकिन इसको किए बिना इनके पास कोई चारा नहीं है, काम तो इनको करना ही पड़ेगा, इसलिए बेचारे ये लोग काम करते हैं लेकिन साथ साथ में बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं. ठीक है, अब एक्टिविटी फोर में यहाँ दिया है, डिबेट अमंगेस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू वेयर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुड. ठीक है, क्या ये सही है, 3.4 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये सही है कि हम शिप को पालें फिर उनके बाल निकाल दें और उसको अपने वून बनाने के लिए और वून के कपड़े बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें, क्या ये सही है? तो ये आपको अपने क्लासमेट के साथ बैठकर डिस्कस करना है. एक तरह से सही है क्योंकि इनके बाल जो है नए आ जाते हैं और गर्मी के दिन में ये लोग एकदम फ्री हो जाते हैं और इनकी बॉडी को हवा लगती है. ठीक है, जब ठंडी का टाइम आता है तब तक तो इनके नए बाल आ जाते हैं और वो ठंडी से भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं. इस तरह से इनके बाल को निकाल देना काफ़ी ठीक रहेगा क्योंकि हम लोग भी अपने बाल जो है टाइम टू टाइम कटवाते रहते हैं. ओके, तो ये कोई गलत नहीं है और इसमें से बहुत अच्छी चीज़ हमें मिलती है, गर्म कपड़े मिलते हैं. राइट, चलो, तो अब ये आपका ऊन का पोर्शन ख़त्म हो गया. अब हम चलते हैं सिल्क में. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ठीक है, सिल्क के कपड़े पाने के लिए हमें सिल्क के फाइबर चाहिए. अब सिल्क के फाइबर जो है सिल्क वॉर्म में से मिलते हैं और सिल्क वॉर्म को पाला जाता है सिल्क पाने के लिए. तो सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है उसको कहा जाता है सेरिकल्चर. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ए नंबर से दिया गया है कि किस तरीके से ये सिल्क बनते हैं, सिल्क के जो सिल्क वॉर्म हैं वो कैसे पैदा होते हैं. देखो, आपको दिया गया है मेल और फीमेल, है ना, ये है एडल्ट सिल्क वॉर्म, ये दोनों ही एडल्ट हैं, मेल और फीमेल, इन दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पर अंडे दिए हैं. देखो, ये है मलबरी का पत्ता, मलबरी मतलब सेतुर नाम का एक फ्रूट आता है. राइट, उस फ्रूट पर, ये फ्रूट जो है मलबरी के ट्री पे लगता है, तो उनके जो पत्ते होते हैं इन पत्तों को के ऊपर इन्होंने एग दिया है. देखो, एग्स ऑन द मलबरी लीव्स, जब ये एग फूट जाते हैं तो ये बन जाते हैं सिल्क वॉर्म. इस तरह से ये सिल्क वॉर्म बाहर निकलते हैं और ये लोग जो है पत्ते खाकर ही जीते हैं और फिर ये जो धीरे धीरे ये सिल्क वॉर्म जो है ये बन जाते हैं ककुन में. राइट, इस तरीके का ये गोल 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 ककुन बन जाता है और फिर यहाँ पर ककुन विद डेवलपिंग मोथ, यहाँ पर डेवलपिंग मोथ होता है. तो ए से लेकर एफ तक जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ये किस तरह से पैदा होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, ये हमें दिखाया गया है. अब यहाँ पर ये बताया है कि योर मदर, आंट एंड ग्रैंड मदर, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क. क्योंकि सिल्क जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, सो हम चलते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ पढ़ते हैं. द फीमेल सिल्क मोथ लेज द एग. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि एक मेल है और एक फीमेल है, ये दोनों मिलकर
एग देते हैं। तो फीमेल जो है बाद में पत्तों के ऊपर एग देती है। फ्रॉम द हैच लार्वा विच आर कॉल्ड द कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। और जब ये अंडे में से अंडे फूट जाते हैं तो उसमें से कैटरपिलर्स बोल दो या तो सिल्कवर्म बोल दो वो पैदा होते हैं, वो निकलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। जब ये कैटरपिलर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये प्यूपा का रूप ले लेते हैं। इट्स फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, राइट। और फिर धीरे धीरे ये लोग एक नेट जैसा वो करते हैं, बिनते हैं, जिसे हम लोग ये रहा ककुन कहते हैं। देखो नेट टाइप का है, ठीक है। ये लोग जब सिल्क वर्म बन जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये नेट की तरह, नेट जिस तरह से होता है, इस तरह से ये कुछ बिनने का काम करते हैं। इट फर्स्ट व्यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स द फाइबर मेड ऑफ द प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम द सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा एंड दिस कवरिंग इज नोन एज ककून, ठीक है। ये लोग जो है जब बड़े हो जाते हैं तो ये लोग गोल 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 अपने आप को घुमाते हैं, अपना सिर जो है गोल 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 घुमाते हैं, एट का एक शेप बन जाता है, उसी के अंदर ये अपने फाइबर को इकट्ठा करते हैं जो ये प्यूपा बन जाते हैं, और इस प्यूपा को हम कहते हैं ककून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यूज इनटू ककून एंड सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ, ठीक है। अब ये ककून जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर ये सिल्क में बदल जाता है और सिल्क फाइबर को अब ये तैयार हो गया है सिल्क के कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट द सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तुम्हें पता है ये जो सिल्क यार्न हमें दिखता है ये स्टील के बर्तन कितने मजबूत होते हैं, बस इसी तरह से सिल्क वॉर्म यार्न भी बहुत ही मजबूत होते हैं, ठीक है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्स्चर। जैसे कि सिल्क यार्न भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया कि सिल्क के कपड़े भी अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं। कुछ काफ़ी स्मूद होते हैं, जैसे हमें बताया ना, कुछ स्मूद होते हैं, कुछ कोर्स यानी थोड़े से रफ टाइप के होते हैं, कुछ शाइनिंग बहुत ही चमकीले होते हैं। और देखो यहाँ पर हमें नाम भी दिया गया है, दस टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे अलग अलग टाइप के सिल्क हैं जिनके नाम हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क इज द मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट लस्ट्रस एंड इलास्टिक कैन बी टाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है। मलबरी सिल्क मोथ भी एक होता है जो अलग तरह का एक सिल्क देते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही चमकीला होता है, और इलास्टिक, इसको हम जब खींचेंगे तो ये लंबा तो होगा लेकिन टूटेगा नहीं, और इसको अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर कलर में इसको डाई किया जाता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल, ठीक है। हमारे यहाँ पर सेरीकल्चर का जो चलन है बहुत पुराना है, जैसे एग्रीकल्चर होता था इस तरह से सेरीकल्चर भी इंडिया में बहुत पुराने टाइम से किया जाता है, और बहुत सारे लोगों को उसमें काम धंधे मिलते हैं, उनको पैसे रुपये मिलते हैं उसकी वजह से, और धीरे धीरे ये एक बिजनेस का रूप ले चुका है, ठीक है। अब हम 3.5 में देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। Collect the pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of the waste cut piece. अब आपको ये एक्टिविटी बता रहे हैं कि आप टेलर के पास जाओ और उनसे अलग अलग तरह के, क्योंकि टेलर है बहुत सारे कपड़े सिलते हैं तो उनके पास सिल्क के कपड़े भी सिलने के लिए आते हैं, तो उनके पास से आप अलग अलग तरह के सिल्क के कपड़े इकट्ठा करो और अपने स्क्रैप बुक में इसको चिपका दो। एंड टेक हेल्प ऑफ योर मदर आंट एंड टीचर और टीचर एंड आइडेंटिटी द टाइप ऑफ द सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क, है ना। आपने जो अलग अलग तरह के कपड़े इकट्ठा किए हैं तो आप अपनी मम्मी या टीचर या तो आंटी जो है या तो आस पड़ोस की जो आंटी साड़ीज पहनती हैं या फिर ड्रेस पहनते हैं सिल्क के, तो उनसे, उनकी मदद से आप पहचान सकते हो कि ये कौन से टाइप का सिल्क है, और फिर वो स्क्रैप बुक में आप उसमें
सिल्क का कपड़ा पेस्ट करके नीचे उसका नाम लिख दो, राइट, और फिर कंपेयर करो। आप टच करके आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से कितना फर्क होता है, दो तीन तरह के जो सिल्क है उसमें। नाउ कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन द सिंथेटिक फाइबर्स। ट्राई एंड कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोड्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। ठीक है, कहा जा रहा है कि अलग अलग टाइप के आप इकट्ठा करो और फिर उसको आप टच करके देखो, तो आपको डिफरेंस तुरंत पता चलेगा कि टस्सल सिल्क अलग तरह का टच फीलिंग देता है, मोगा सिल्क टच करने पर अलग तरह का फीलिंग देता है, कोसा सिल्क अलग तरीके का देता है, एरी सिल्क अलग तरीके का है। उनके कलर्स में भी फ़र्क, कलर्स तो ठीक है कि उन्हें डाई किया जाता है, लेकिन उनको जो शाइनिंग है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, किसी में कम शाइनिंग होती है, कोई बिना शाइनिंग के भी है, तो ये भी हमें पता चल रहा है। अब हमें 3.6 में बताया गया है आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड, राइट। जैसे प्योर सिल्क है तो ये हमें सिल्क वॉर्म में से मिलता है, और आर्टिफिशियल सिल्क है तो इसे लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि आर्टिफिशियल है या तो फिर ये सही है, राइट, ये असली है, कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने हमको बताया है कि आप दो तरह का सिल्क ले लो, एक आर्टिफिशियल ले लो और एक प्योर सिल्क ले लो। ठीक है, और दोनों के फाइबर को आप जलाओ। जब आप जलाओगे तो एक में बदबू निकलेगी जो ऐसा लगेगा कि जले हुए बाल की तरह बदबू आ रही है, तो जिसमें जले हुए बाल की तरह बदबू आएगी तो वो असली सिल्क होगा, और जिसमें बदबू नहीं आएगी वो आर्टिफिशियल सिल्क होगा। ओके, ये हमें यहाँ पर बताया गया है एक्टिविटी 3.6 में। अब एक्टिविटी 3.7 में भी कुछ खास नहीं है, तो हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम ककून टू सिल्क, ठीक है, ककून से सिल्क तक किस तरह से इनका तय होता है। ये देखो, आपको यहाँ पर मलबरी ट्री भी बताया गया है जहाँ पर सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। देखो, आपको दिया गया है ना, और इसके पत्ते जो है यहाँ पर दिखाया है लीफ ऑफ मलबरी। आप देखोगे इसकी किनारी जो है, बॉर्डर जो है, देखो थोड़े से कटिंग वाला है, राइट, और इसके पत्ते जो हैं हार्ट शेप में है थोड़ा सा, और इसके फ्रूट्स भी जो होते हैं वो बहुत ही थोड़े, जब वो कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, जब पक जाते हैं थोड़े से लाल हो जाते हैं और खट्टे लगते हैं, और जब एकदम काले हो जाते हैं तो ये बहुत ही मीठे लगते हैं। ठीक है, तो इसी पर इनको पाला जाता है। तो देखो कैसे पालते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। ठीक है, सिल्क पाने के लिए पहले तो मोथ को पाला जाता है, फिर उनके ककून्स को कलेक्ट किया जाता है, और फिर उसमें से सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। कैसे करते हैं, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है रियरिंग सिल्क वॉर्म। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। ठीक है, एक सिल्क वॉर्म, एक फीमेल सिल्क मॉथ कम से कम 100 एग्स देती है एक टाइम पर। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। फिर ये इन अंडों को बड़े ही आराम से संभाल के इसको रखा जाता है, या तो किसी कपड़े पर इनको रखा जाता है या किसी पेपर पे रखा जाता है, ताकि ये फूट ना जाए। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फीमेल सिल्क है, फीमेल सिल्क वॉर्म जो है वो एग दे रही है ना, और देखो कितने सारे एग उसने दिए हैं। कहा जाता है कि एक बार में ये 100 अंडे देती है, और इस अंडों को बहुत ही संभाल कर रखते हैं, और फिर इसको दे दिया जाता है फार्मर को। कौन से फार्मर को? जो इसको पालने का काम करेगा। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर द हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर द सूटेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब जो ये फार्मर जो है, जो ये सिल्क वॉर्म पालने का काम करते हैं, ये इन अंडों को ले जाएंगे और बहुत ही साफ सुथरी जगह पर इसको रखेंगे, और टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्मी हो, ना तो ज़्यादा ठंडी हो, ना तो एकदम ह्यूमिडिटी यानी पानी वाला मौसम ना हो, ऐसी जगह पर इनको रखा जाता है। द एग्स आर वॉर्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। अब इनको थोड़ी सी गर्मी दी जाती है ताकि अंडे जो है गर्म होने पर वो हैच हो जाए, फूट जाए। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, और ये अंडे फोड़ने का काम तब किया जाता है जब ये मलबरी पर नए नए नरम नरम पत्ते आ जाते हैं, ताकि फूटने के बाद उनको खाना भी मिले। द बेयर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज द इनॉर्मसली इन साइज। ठीक है, जब ये फूट जाते हैं अंडे, तो इसमें से लार्वा निकलते हैं, और ये लार्वा जो है ये नरम नरम पत्तों को दिन रात खाते रहते हैं, और खाने के बाद ये लोग जो है बहुत ही मजबूत, बहुत ही बड़े, जल्दी से बड़े हो जाते हैं, और फिर ये बन जाते हैं सिल्क वॉर्म निकालने के लिए, सिल्क निकालने के लिए ये काम आते हैं। देखो यहाँ पर दिया है ये मलबरी बुश, मलबरी ट्री,
दिया है। नंबर सी में आप देख रहे हो कि इन पत्तों के ऊपर देखो लार्वास यानी कैटरपिलर या तो जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं, ये लोग जब अंडे में से निकलते हैं तो इस पत्तों को ये लोग खाते हैं, ठीक है। और ये खाने के बाद ये लोग जो है अपने हेड को और टेल को गोल 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 घुमाते हैं, जिसकी वजह से ये ककुंस में फिर जाते हैं, एट का शेप बन जाता है या तो फिर ये सिलेंडर टाइप का शेप बन जाता है और इसको कहा जाता है ककुंस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद द लार्वा आर केप्ट इन द क्लीन बम्बू ट्रे along with the freshly chopped mulberry trees leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and the move to a tiny chambers of bamboo in the tray to spin cocoon. अब इन लार्वा को एक बैम्बू मतलब कि जो बांस होता है उसके ट्रे में इसको रख दिया जाता है और उसी ट्रे के अंदर नरम नरम मुलायम मुलायम ढेर सारे मलबरी के पत्ते रख दिए जाते हैं जिसे ये खाकर जिंदा रहें और बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करें। 25 टू 30 डेज के बाद ये लोग खाना बंद कर देते हैं और ये लोग काफ़ी बड़े हो जाते हैं और अब ये लोग तैयार हो गए हैं ककुन बनने में। तो जब ये ककुन बन जाते हैं तो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन अ ट्रे टू विच ककुन गेट्स अटेस्टेड। एक छोटा सा रैक या छोटा सा एक ट्विग दे देते हैं, ट्विग मतलब छोटी सी डाली, राइट, मलबरी की छोटी सी डाली दे दी जाती है जहाँ पर ये अपने आप को गोल 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 घुमाकर ककुन का स्वरूप दे देते हैं। एंड द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द ककुन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क वर्म। और जब ये लोग ककुन का शेप लेते हैं तो ये टर्न हो जाते हैं सिल्क मोथ में। और फिर जब ये मोथ बन जाते हैं तो प्रोसेसिंग सिल्क, द पाइल ऑफ ककून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क फाइबर, द ककून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम, ठीक है। जब ये ककून बड़े हो जाते हैं अब ये सिल्क फाइबर देने के लिए काम आ जाते हैं तो इनको निकाल कर धूप में रखा जाता है या तो फिर इनको पानी में उबाल दिया जाता है या तो फिर इनको स्टीम, जब पानी गर्म हो जाता है तो स्टीम में इसको रख दिया जाता है, राइट, मतलब कि इनको मार डाला जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, अब यहाँ पर वो मर जाता है बेचारा वॉर्म जो है वो मर जाता है और इसमें से जो निकलता है वो होता है सिल्क फाइबर। अब उनके जीव को जो उनकी बॉडी है उसको अलग कर देते हैं और जो फाइबर निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है। द सब प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, ठीक है। बाद में इस ककून में से सिल्क को निकालते हैं और एक उसमें एक रील लेते हैं और उसके अंदर इसको रीलिंग की जाती है, मतलब इसको इसके धागे को लपेटा जाता है। जैसे आपने देखा है आपके घर पे जो धागे होते हैं आपका जो सुई और दोरा जो हम कहते हैं, तो दोरा जो है किसी मोटे से पुट्ठे में उसको रैप किया गया है, तो इसी तरह से सिल्क को भी एक मोटे से पत्थर में या तो फिर एक मोटे से किसी रील में इसको रीलिंग किया जाता है। रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून एंड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू द सिल्क क्लोथ बाय वीवर। और फिर इस तरह से सिल्क फाइबर निकाला जाता है, उसको स्पन मतलब इसको बिना जाता है और फिर अलग अलग कपड़ों में इसको कापड़ बनाया जाता है और कापड़ के बाद इसको बेचा जाता है या तो फिर इसके कपड़े बनाए जाते हैं। हम इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क लोगों को कैसे पता चला कि सिल्क इतना, जो सिल्क है सिल्क वॉर्म में से मिलेगा और इनके कपड़े बनाए जाते हैं, कैसे पता चला? तो देखो, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, ये तो नहीं पता है कि एग्जैक्टली सिल्क का कब लोगों को पता चला, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड द एम्प्रेस सिल लोंगची वॉज आस्क्ड बाई द एम्परर यूंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। अब एक बार ऐसा होता है कि एम्प्रेस होती है, एम्प्रेस मतलब जो रानी थी, राइट, वो उसका नाम था सिंग लू ची, उसने अपने एम्परर से बोला, अपने राजा से, अपने हस्बैंड से बोला जिसका नाम था यूंग टी, उन्होंने कहा कि हमारे गार्डन में मलबरी का जो पेड़ है उसके पत्ते जो है बहुत खराब होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म ईटिंग अप द मलबरी लीव्स। अब एक दिन एम्प्रेस जो है खुद जाती है गार्डन में और ट्री को बड़े ही बारीकी से देखती है कि आखिरकार इन पत्तों को कौन खाता है, और वहाँ पर जाकर वो देखती है तो बड़े बड़े सफ़ेद रंग के जो वॉर्म होते हैं वो इन पत्तों को चाट रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वेयर स्पिनिंग शाइनी ककुंस अराउंड देम, और उसने ये भी नोटिस किया कि ये खा रहे हैं और वहीं पर पास में जो लार्वा जो सिल्क वॉर्म निकल चुका है उसने ककुन का स्वरूप ले रहा है और उसके अंदर जो धागे जैसा दिख रहा है ये काफ़ी चमकीला है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो एक्सीडेंटली अ ककुन ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड द टैंगल्ड अ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द ककुन।
जब वो एक दिन चाय पी रही थी, उसी पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, उस दिन तो वो चली गई। उसने देखा कि हाँ ठीक है, ये जो वॉर्म है यही लोग पत्ते खा रहे हैं और इसमें से कुछ धागे जैसा भी निकला है जो काफ़ी चमक रहा है। तो उस दिन तो उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब उसी पेड़ के नीचे बैठकर वो चाय पी रही थी तो एक्सीडेंटली ऊपर से एक ककुन गिरकर उसके चाय में चला गया। अब चाय तो बहुत गर्म थी, तो उसमें क्या हुआ कि ककुन तो मर गया, लेकिन उसमें से ढेर सारे जो सिल्क थे, सिल्क के जो धागे थे, वो बाहर निकलने लगे, सेपरेट हो गए। तो इस तरह से उन्होंने जब ध्यान देकर देखा और वो सिल्क को निकाल कर देखा तो काफ़ी मजबूत थे, और तब उनको ख्याल आया, उन्होंने किसी को बताया होगा, और धीरे धीरे फिर सिल्क इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। मतलब ये एक दिन या दो चार साल में तो नहीं हुआ होगा, काफ़ी टाइम लगा होगा, लेकिन उनको ये प्रोसेस पता चल गया कि हम सिल्क वॉर्म में से सिल्क के धागे कैसे निकालें। ठीक है, सो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना। तो उसी टाइम से चाइना में सिल्क इंडस्ट्री बनने लगे, वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, और यहाँ तक के कई सालों तक, 200-300 साल तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि आखिरकार ये सिल्क कहाँ से आता है, वो लोग सिल्क के धागे कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज एंड द रूट दे ट्रैवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और बाद में धीरे धीरे जो ट्रेडर्स थे, जो अलग अलग कंट्री के साथ जो व्यापार कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, या जो ट्रैवलर्स थे जो घूमने फिरने आ रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर चाइना में जो है रास्ते में ही सिल्क इंडस्ट्री है, वहाँ भी सिल्क बनाया जा रहा है। तो चोरी छुपे उन्होंने थोड़े टाइम तक उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, तब उनको पता चला कि हाँ यहाँ पर जो है वो सिल्क बनाया जाता है। फिर इन्होंने सिल्क खरीदना शुरू किया, राइट, जो दूसरे देशों के जो बिजनेसमैन थे, और ले जाकर अपने देश में ले जाकर उन्होंने बेचना शुरू किया। और इस तरीके से जिस रास्ते से वो लोग आते जाते थे सिल्क को लेकर, उसको नाम दे दिया सिल्क रूट। ओके, तो ये जो है सिल्क की कहानी है कि किस तरह से सिल्क हमारे बीच आया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, राइट। इसमें हमने दो चीज़ देखा कि किस तरह से ऊन बनते हैं और किस तरह से सिल्क के कपड़े बनते हैं। ओके, सो आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बनाकर दे दूंगी असाइनमेंट, तो आपको ये करना है। चलो, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।